हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आ गई हूँ मैं एक न्यू एंड दमदार रेसिपी को लेकर। अगर कुछ बनाना है टेस्टी, हेल्दी, कम सामान के साथ, वो भी बिना मेहनत का, तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इसे हमने किस तरह से बनाया है, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ले लिया है एक कटोरी पोहा। आप कोई भी पोहा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटा या पतला कोई भी पोहा आप ले लीजिएगा। और ये हम लेंगे एक ग्राइंडर जार, उसमें हम डाल लेंगे ये पोहा। तो जितना हमने पोहा डाला है उतना ही हम सूजी भी डाल लेंगे। आप कोई कप या कटोरी से माप में ले सकते हैं। तो ये हमने ले लिया है और दोनों को हम फाइन पीस कर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पोहा और सूजी जो है पीस गया है, और इसमें आप कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसे हमें पीसना ही है। और ये जो पोहा है उसके कारण ये पूरा फाइन नहीं पीसता है, तो आप इसी तरह से पीस कर रेडी कर लीजिएगा। और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल, और उसमें हम डाल लेंगे जो हमने सूजी और पोहे को पीस कर रखा है, ये हमने डाल लिया है। अब इसे हम पानी डालकर एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। तो इसमें हम एक बार में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने पोहा और सूजी डाला है तो ये दोनों पानी बहुत ही एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से एक गाढ़ा सा घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। इसे नहीं ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ही ज़्यादा पतला रखना है, तो उस हिसाब से हम पानी जितना लगेगा उसी हिसाब से हम डाल लेंगे। तो जैसे हमने एक कटोरी पोहा लिया है, एक कटोरी सूजी लिया है, तो उसी तरह से चार कटोरी के आसपास हमें इसमें पानी लगेगा। तो ये हमने दोनों अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, तो ये देख सकते हैं ये हमने घोल बना लिया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा था तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा बैटर बन गया है। तो इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और 1/4 कप धनिया पत्ता। इसमें ज़्यादा सामान नहीं चाहिए हमें, बहुत ही कम सामान में हमारा ये नाश्ता बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को बड़े या बच्चे दोनों को बहुत ही पसंद आता है। तो इसमें हमने धनिया पत्ता और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो इसमें आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है, और इसे अच्छे से घोल बनाकर रेडी कर लेना। तो ये हमारा घोल बन गया है। तो अब हम चलते हैं गैस के तरफ। गैस पे हम चढ़ाएंगे कोई तवा, पैन या कढ़ाई, कोई कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने एक कढ़ाई लिया है और उसे अच्छे से हमने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल से बस ग्रीस करेंगे। अगर आपको मन नहीं है ऑयल लगाने का तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। अब जो हमने बैटर बना के रखा है वो उसे एक बार हम मिक्स कर लेंगे, और एक करछुली से हम लेकर बैटर को इस कढ़ाई में हम डाल लेते हैं। बस एक करछुली बहुत ही अच्छे से, इतना बड़ा साइज का बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो इतना हम डाल लिए हैं, और इसे देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा जाली बनना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हम लीड लगाकर 2 मिनट स्लो फ्लेम पे इसे पका लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक तरफ गोल्डन हो जाएगा, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो ये देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया, और साइड साइड से ये क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसे हम स्पैचुला से हम इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, और हो सके तो आप इसमें एक दूसरे तरफ से भी थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। अगर नहीं मन है तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं, और इसे बिना ढके 1 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये हमारा हेल्दी, टेस्टी एंड बिल्कुल आसान सा नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। झटपट 5 मिनट में ये हमारा हेल्दी सा नाश्ता बन जाता है। इसी तरह से और भी नाश्ते हम बना लेते हैं। ये हमने कढ़ाई को हमने ग्रीस कर लिया है, उसके बाद एक करछुल हमने बैटर डाल लिया है, और उसे हम 2 मिनट तक ढककर पका लेंगे। जब ये 2 मिनट हो जाएगा तो इसे हम पलट लेंगे। ये पलटना बहुत ही आसान है, ये नीचे चिपकता नहीं है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। तो इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसे हम खुले में 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो इसे हमने दूसरे तरफ से भी थोड़ा सा वायर से ग्रीस कर लिया है। और ये भी देखिए हमारा नाश्ता बन गया है। इसी तरह से और भी सभी नाश्ते को हम बना कर रेडी कर लेते हैं। तो इसे आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बहुत ही झटपट आप इसे बना सकते हैं। ये 5 मिनट में बन जाता है और खाने में सबको बहुत ही पसंद आएगा। बड़े हों या बच्चे, सभी आपसे मांग मांग कर हर बार यही बनवाएंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज का रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने इसे सर्व किया है नारियल की चटनी के साथ, इसे हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम बना है हमारा ये नाश्ता। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो ये देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार नाश्ता हमारा बना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।